शनिवार को हरियाणा में छठे चरण के चुनाव का मतदान होना है। ऐसे में तमाम पार्टियों ने पूरा जोर लगाया हुआ था कि किसी तरह से हरियाणा की 10 सीटों पर जीत हासिल कर ले। 2019 में बीजेपी ने 10 की 10 सीटें हरियाणा में जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस कड़ा मुकाबला दे रही है। इस सब के बीच एक खबर आ रही है कि डेरा प्रमुख राम रहीम का समर्थन बीजेपी को मिल सकता है, और इसके लिए बकायदा एक तैयारियां भी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कुछ रोज पहले बीजेपी के नेता डेरा में हनीप्रीत से भी मुलाकात करके आए थे, और उसके बाद ये मुलाकात एक बार फिर से की गई। कोशिश यही थी कि डेरे की तरफ से तमाम अपने श्रद्धालुओं को एक संदेश जाए कि वो बीजेपी के समर्थन में वोट करें। अगर ऐसा होता है तो क्या बीजेपी को एक बार फिर से बड़ी बढ़त, जहां जहां टक्कर उसे कांग्रेस से मिल रही है वहां मिल सकती है? सूत्रों के मुताबिक हनीप्रीत ने बकायदा 15 मेंबरीय कमेटी का गठन भी किया है। यह कमेटी डेरा और राम रहीम का मैसेज श्रद्धालुओं तक पहुंचाएगी। इसके अलावा हिसार और सिरसा में 300 और 200 लोगों की टीमें भी बनाई गई है, ताकि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं तक पहुंचाया जा सके। आपको बता दूं कि डेरा का सीधा सीधा 10 में से 8 सीटों पर प्रभाव है, जिसमें गुरुग्राम और रोहतक को छोड़ दे तो बाकी तमाम वो 8 ऐसी सीटें हैं जिस पर डेरे का खासा असर देखा जाता है। इससे पहले भी चाहे 2014 की बात कर ले या फिर 2019 की, डेरा की तरफ से जब जब संदेश गया है बीजेपी को उसका फायदा मिला है। तो एक बार फिर क्या डेरे की तरफ से बीजेपी के समर्थन में वोट देने का मैसेज दिया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो इसका असर कितना पड़ेगा, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। और अक्सर इस बात को लेकर बीजेपी पर ये सवाल भी उठते हैं कि राम रहीम को अक्सर जो पैरोल दे दी जाती है उसके पीछे की वजह यही है। खैर, कल चुनाव होना है और रिपोर्टर जी तमाम हरियाणा सहित उन सभी राज्यों के मतदाताओं से अपील करता है कि वो अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।